The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So most common problems in your scalp. हम बात कर रहे हैं scalp की खुजलाने वाली से लेके ऐसी conditions जो कि आपको दिक्कत दे सकती हैं और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्काल्प की, छोटे छोटे बीमारी से लेके बड़े बड़े. सो नंबर वन प्रॉब्लम जो आपकी स्काल्प में होती है दुनिया भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज योर डैंड्रफ. ऑब्वियसली जब स्काल्प में खुजली होती है, जब वहां पर तो फिर बहुत जोरदार होती है, तो फिर देयर इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. और कभी कभी ऐसा भी लगता है ये खुजली कभी खत्म नहीं होने वाली, और कभी कभी ऐसा लगता है आराम तो कभी आने ही नहीं वाला है, इसमें तो बहुत ज्यादा ऐसी तैसी हो रही है. सो टू गेट रिड ऑफ दिस खुजली आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कारण क्या है इसका. और इसके एक्चुअली सिर्फ डैंड्रफ एक मात्र कारण नहीं है, और बहुत सारे कारण हैं स्काल्प में इचिंग होने के. वन ऑफ द रीजन इज डैंड्रफ, वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन इज डैंड्रफ. एंड डैंड्रफ इज बेसिकली जब आपका स्काल्प जो है वो ड्राई हो जाता है, इची हो जाता है, फ्लेकी हो जाता है, और आपके बालों पे, आपके कपड़ों पे काले वाइट वाइट फ्लेक्स दिखने लग जाते हैं. सो वो है डैंड्रफ. सो हाउ टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ, डैंड्रफ को गेट रिड करने के लिए इफ यू हैव डैंड्रफ यू नीड टू यूज अ डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू सॉल्यूशन ट्रीटमेंट. तीन चीजें, मतलब तीनों में से एक चीज. कभी कभी एक लोकल एंटी डैंड्रफ शैम्पू से काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमें सॉल्यूशन जिसको वो लगा के 10-15 मिनट रखना पड़े, या फिर एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट बाय डर्मेटोलॉजिस्ट करवाना पड़ता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तीन चीजें. इसमें कई बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू में कीटोकोनाजोल का सॉल्यूशन होता है, कीटोस्टार होता है, सिट्रीमाइड होता है. दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन यूज टू ट्रीट योर डैंड्रफ. सो डैंड्रफ के लिए सिट्रीमाइड लोशन लगा सकते हैं, कीटोकोनाजोल का शैम्पू ले सकते हैं, ऐसी चीजें ले सकते हैं. सेकेंड चीज जो आपको तंग कर सकती है डैंड्रफ जैसी, राइट, दैट इज अ रिएक्शन टू अ हेयर केयर प्रोडक्ट. जी हाँ, आपको लगेगा मजाक लेकिन सच है ये. आपका इची, ड्राई और फ्लेकी स्काल्प कैन बी बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन टू सम प्रोडक्ट विच यू आर यूजिंग. मे बी आपका शैम्पू, मे बी आपका एयर कंडीशनर, मे बी आफ्टर आप जो भी आप लगाते हो उसके ऊपर, मे बी द मास्क, हेयर मास्क और समथिंग विच यू आर विच इज इरिटेटिंग. दिस कैन बी अ प्योर सिंपल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इन योर स्काल्प. जी हाँ, ये हेयर डाई से भी अब कॉमनली हो जाता है. हेयर डाई बहुत इंपॉर्टेंट. डाई में जब पीपीडी नाम का केमिकल होता है, पैराफिनाइल एनिडीमिन, फिनाइल फिनिलीन डी डायमीन डायमीन फिनिलीन डायमीन पीपीडी, ये ब्लैक कलर की डाई में बहुत कॉमनली पाया जाता है. तो उसके इस्तेमाल से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पाए जाते हैं, एलर्जिक डर्मेटाइटिस. कई बार शैम्पू कंडीशनर से भी एलर्जी होती है, कई बार मात्र टच से भी एलर्जी हो सकती है, आपके टच से सेंसिटिव इतना हो जाता है. सो दैट इज देयर. ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, स्टॉप यूजिंग एनी एंड ऑल हेयर केयर प्रोडक्ट जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आपको नहीं पता कि भाई किससे एलर्जी, अगर आपको पता है इससे एलर्जी है तो उसको इस्तेमाल करना बंद कर दो. और अल्टीमेटली आपको जाना है डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डर्मेटाइटिस नीड्स अ स्पेशलिस्ट. तो इसके बाद में तीसरा कारण है हाइव्स. जी हाँ, हाइव्स आर रेड रेस्ड एंड वेरी इची बम्स. लिटरली आपके बालों में बम्प्स आ सकते हैं, बाल स्काल्प में बम्प्स, हाइव्स, जो आपके कहीं भी हो सकते हैं, स्किन में भी हो सकते हैं, पर बाल में स्काल्प में भी हो सकते हैं. और ये कई बार थोड़े देर के लिए आते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, कई बार रहते हैं, बार बार आते हैं, लॉन्ग टाइम भी रह सकते हैं, 6 वीक्स तक या 6-6 महीने तक भी रह सकते हैं, 6 वीक्स तक. सो हाइव्स अपने आप चले जाएंगे, उसके लिए कुछ करना नहीं है. लेकिन अगर वो नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा हाइव्स. उसके अलावा हो सकती है सिकरी, हेड लाइस, सिकरी, जुएं, ये सारी चीजों से खुजली भी हो सकती है स्काल्प में. और ये हेड लाइस जो है ज्यादा इचिंग करती है, कभी कभी आप कंघी करते हो उसमें निकल आती है, बालों में चिपकी रहती है, ऐसे पकड़ लेती है, मोटी मोटी हो जाती है, बहुत टाइनी बग्स हैं. इसके लिए एंटी गेट रिड ऑफ द इच. ऑब्वियसली अगर इच के निकालने के लिए बग को निकालना पड़ेगा, बग को निकालने के लिए लाइस को मारने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा. लाइस का ट्रीटमेंट के लिए शैम्पूज आते हैं, कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज जो आपको प्रेफरेबली डर्मेटोलॉजिस्ट से लेना है.
और उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजी से कंसल्ट करना चाहिए उसके लिए। और ऐसे ही एक स्केबीज नाम की भी बीमारी है। स्केबीज मतलब वो भी एक टाइनी टाइनी बग होते हैं जो ह्यूमन को बाइट करते हैं, और ये माइट्स जैसे 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 खटमल होते हैं उसके जैसे होते हैं, और ये खटमल आपके स्काल्प में भी आपको कर सकते हैं प्रॉब्लम, पूरी बॉडी में कर सकते हैं। उनके लिए भी फिर परमिथ्रीन लोशन जैसी क्रीम्स आती हैं जो आपको लगाना होता है आपके पूरी बॉडी में आंखों को छोड़ के, और उससे वो मर जाते हैं। कई बार इट्राकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल या मतलब ये तो इट्राकोनाजोल, दूसरी टैबलेट्स भी दी जाती है, एल्बेंडाजोल जैसी टैबलेट्स दी जाती है, इट्राकोनाजोल जैसी टैबलेट कई बार दी जाती है इनको मारने के लिए, बग्स को मारने के लिए, राइट। सो इसके लिए भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि हमारे लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। और यस, स्काल्प में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो उसको हम कहते हैं रिंग वर्म, स्काल्प रिंग वर्म। स्काल्प रिंग वर्म नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन है, याद रखिए। हर बार मैंने बताया है, रेड कलर का इंटेंस इची रैश होगा, गोल गोल होगा, और इसके लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना ही चाहिए। फंगल इन्फेक्शन के ऊपर फंगल क्रीम लगानी होती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, कई बार पेन भी होता है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन केमिकल क्रीम लगानी होती है, एंटी फंगल क्रीम बालों में जहां जहां है, और कई बार अगर ज्यादा है फैला हुआ है तो फिर ओरल मेडिकेशन भी लेनी पड़ती है। ऑलराइट, उसके अलावा भाई साहब स्काल्प में सोरियासिस भी हो सकता है, स्काल्प सोरियासिस। सोरियासिस 50% केसेस जो के जिनको प्लैक सोरियासिस है उनको फ्लेयर अप होगा स्काल्प में एट सम पॉइंट ऑफ दी अदर, और फ्लेयर अप लाल रंग का डेंड्रफ जैसी फ्लेकिंग होगी, लगेगा डेंड्रफ है लेकिन होता है सोरियासिस। व्हाइट स्केली फ्लेक होता है, सिल्वरी फ्लेक होता है ड्राई स्काल्प में, और ये इची होता है बहुत जोरदार तरीके से, माइल्ड इंटेंस इचिंग हो सकता है। सोरियासिस के लिए ट्रीटमेंट टोटली अलग है, उसमें अलग तरीके के मेडिकेशंस होती हैं, वो आपके इन्फ्लामेशन रिड्यूसिंग मेडिकेशंस होती हैं, वो आपके जो इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिकेशंस होती हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही आपको लेनी चाहिए। सोरियासिस, सोरियासिस के बाद आ सकता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। जी हाँ, एक एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज जिस कुछ बच्चों में ज्यादातर होती है, बच्चों में खुजली की टेंडेंसी होती है, छोटी छोटी चीज से सिवियर एलर्जिक रिएक्शन, जिसको रिएक्शन जिसको हम कहते हैं एक्जिमा, अर्टिकेरिया, ऐसी चीजें जो आपको कहीं भी हो सकती है, स्काल्प में भी हो सकती है। ऐसी चीजों को फिर स्टीरॉइड बेस्ड क्रीम्स और कई बार इम्यूनोसप्रेशन क्रीम्स, टैक्रोलिमस क्रीम से हैंडल करना पड़ सकता है। तो पहले डॉक्टर को दिखाए डर्मेटोलॉजिस्ट को, डायग्नोसिस जरूरी है, केवल सिर्फ मात्र क्या कहते हैं इसको, डैंड्रफ नहीं होता है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस नहीं होता है, बहुत सारे अलग कारण हो सकते हैं ऐसी बीमारियों के। देन देयर कैन आल्सो बी प्लेन सिंपल नर्व का प्रॉब्लम, नसों का प्रॉब्लम। कई बार एक स्काल्प के ऊपर इची रैश जो आता है, और वो एक नर्व के प्रॉब्लम के वजह से आ सकता है, जैसे कि एक न्यूरोपैथी हो रही है आपको, उसके वजह से यहाँ पर नर्व डैमेज हो रही है, तो नर्व रूट्स इरिटेट हो रहे हैं, तो वहां इचिंग, टिंगलिंग, डायबिटीज में जैसे सेंसेशन, डायबिटीज में ऐसी चीजें बहुत कॉमनली होती है, नर्व प्रॉब्लम, इचिंग, टिंगलिंग, सेंसेशन, याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस। अगर आपको इस तरह की नर्व प्रॉब्लम है तो डायबिटीज रूल आउट करें और डायबिटीज के चेकअप कराएं, राइट। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली स्किन कैंसर की वजह से भी इचिंग हो सकती है, उसमें स्किन के ऊपर बम्प्स होंगे जो अलग ही तलग कलर के होंगे, कई बार बड़े बम्प्स ग्रो होते जाएंगे, कई बार नहीं होंगे, छोटे छोटे ग्रो हो सकता है, काले डिसकलरेशन हो। सो अगेन इट नीड्स अ फिजिकल एग्जामिनेशन कि एग्जैक्टली है क्या जो खुजली कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो टू अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड। एवे नुस्खे फुस्खे ट्राई मत करने बैठ जाना कि मैं ये लगा लेता हूँ, मैं वो लगा लेता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिखित में देता हूँ, डोंट डू दैट, ठीक है। एंड इचिंग हो, स्काल्प की बीमारियों को छोटा मत समझिए, छोटे से डैंड्रफ से लेके एलर्जी से लेके कैंसर तक बीमारियां हो सकती हैं आपके स्काल्प में, तो स्काल्प की बीमारियों को सीरियसली लें। द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट सी योर सेल्फ इन द स्काल्प, दूसरा देखता है, दूसरे को पता ही नहीं क्या है, तो आपको नहीं पता। अगर आपको फिर इस चीजों के लिए बहुत जरूरी है आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना, एंड देन देयर विल बी अ सोल्यूशन जो आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, राइट। दिस इज अबाउट नॉलेज। सो आपको 10 ऐसी चीजें हमने बताई जो आपको स्काल्प में प्रॉब्लम कर सकती है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, जरूर इसको शेयर करें, वीडियो लाइक करें,
और कोई भी सवाल है जरूर लिखें।